कितना बिजली कंज्यूम हो रहा है, कितने कंज्यूमर बने हैं, कितने पोल और कितने तार को बदला गया है, कितने टोलो बसावट को ऊर्जान्वित किया गया है, निश्चित रूप से परिस्थितियां तो बदली है, निश्चित रूप से परिस्थिति को बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया और साथ ही साथ यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजवाने का काम करेंगे, जिसके बाद जो बिहार की राजनीति है वो तेज हो गई है। लगातार जेडीयू के तरफ से भी जो बयान है वो जोरदार बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे पर कटाक्ष किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बिना नाम लिए ही बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि पिछले 15 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बिहार की परिस्थितियों को तो बदला ही है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप वो सुने। हाँ, बदली हुई जो बिहार जैसा बिहार 15 वर्षों में जिस तरह से बिहार को बदलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, तो निश्चित रूप से परिस्थितियों को, जो बिहार की परिस्थिति थी उसको तो उन्होंने बदलने का काम किया ना। किंतु से 32,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करोड़ करने वाले मुख्यमंत्री हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को बदला है। जो बिहार में लड़कियां मैट्रिक में परीक्षाओं में जिनकी संख्या नगण्य हुआ करती थी छात्राओं की, आज देख लीजिए करीब 14 लाख मैट्रिक में बच्चे पास कर रहे हैं, 7 लाख बच्चियाँ हैं। ये तो परिस्थिति तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बदला है। इन 7 लाख जो 50% जो बालिकाएं इसमें आ रही हैं, ये कि कौन है ये तो माननीय मुख्यमंत्री ने परिस्थिति बदलने के लिए इस प्रदेश में साइकिल योजना की शुरुआत की, इस प्रदेश में यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत की। जो गरीब की बच्चियाँ थीं, बड़ी हो जाती थी, स्कूल जाने में उनको शर्म लगता था, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनको कपड़ा देकर स्कूल भेजने का काम किया। निश्चित रूप से परिस्थितियों को तो नीतीश कुमार ने बदलने का काम किया। इस प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन कितना होता था आज से जब से नीतीश कुमार ने प्रभार ग्रहण किया था, धान कितना होता था, मक्का कितना होता था, सिंचित भूमि कितनी थी, इस प्रदेश में सब्जियां कितनी होती, यहाँ पर इस प्रदेश को देश ने क्रमता पुरस्कार दिया है कृषि के क्षेत्र में, कृषि रोड मैप ला के किस तरह से कृषि को सबल और मजबूत बनाने का काम किया, कितने बिजली थे, कितने कंज्यूमर थे इस प्रदेश में, कितना यूनिट बिजली हमारे यहाँ कंज्यूम होता था पूरे प्रदेश में, आज कितना 15 साल में नीतीश कुमार के राज के बाद कितना बिजली कंज्यूम हो रहा है, कितने कंज्यूमर बने हैं, कितने पोल और कितने तार को बदला गया है, कितने टोलो बसावट को ऊर्जान्वित किया गया है, निश्चित रूप से परिस्थितियां तो बदली है, निश्चित रूप से परिस्थिति को बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को गिनवाया कि किस तरह से पिछले 15 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की परिस्थितियों को बदला है और कहीं ना कहीं उन्होंने बिना नाम लिए ही बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे पर जोरदार हमला बोला है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार जेडीयू हो या हम हो, लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि बीजेपी के जो आला कमान है वो बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे पर कार्रवाई करे, तो क्या बीजेपी के जो आला कमान है वो टुन्ना जी पांडे पर कार्रवाई करती है या नहीं। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।